यदि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप में से लगभग जितने भी लोग हैं उन सभी ने पटवारी का एग्जाम भी दिया और तैयारी भी की और लास्ट में नंबर आप सभी के 70 के आसपास ही होंगे ना, आई श्योर है ना, जितने भी लोगों ने दिया होगा 71 72 73 मैक्सिमम 76 के ऊपर किसी का भी स्कोर नहीं होगा ना इस क्लास में। ये प्रिडिक्ट नहीं है, ये एक्चुअलिटी है। कारण वही है कि हमारे पास में एक हम तमगा लेकर के चलते हैं कि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है कि हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज डिसाइड करनी होगी कि आप एग्जाम कौन सा देना चाहते हैं, राइट? एग्जाम दें या नहीं दें। फॉर्म भरना गलत बात नहीं है, लेकिन यदि उसी के चक्कर में हम सारे अपने एग्जाम जिसके लिए हम टारगेटेड हैं उसको खराब कर देना, राइट? आप सभी भी हैं, सभी लोग बाहर से हैं, इंदौर में हैं, और कोई एक साल से तैयारी कर रहा होगा, कोई दो साल से तैयारी कर रहा होगा ना, ठीक है? तो अल्टीमेट गोल घूम करके वहीं पर आता है कि हमारे पास में एक टारगेट हमारे पास लेकर के आए थे कि हम MPPSC और सेकंड क्लास ऑफिसर बनकर के जाएंगे, लेकिन भटकाव कहां पर चला गया, कांस्टेबल पटवारी और अभी सेकंड क्लास जॉब भी आई है ग्रुप 2 की, राइट? व्यापम से जो BSC करी है लोगों ने, जिन लोगों ने BSC है MSC है वो डेफिनेटली है कि उसको भी फॉर्म को भरने जाएंगे। तो यहां से एक चीज यह निकल के आती है कि हमारे पास में एग्जाम का पैटर्न हर एक एग्जाम के अनुसार बदल जाता है, कि आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वह बदल जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसके एक ही अनुभव से पढ़ते हैं, तो उससे ही हमारा क्या होता है, भटकाव होता है और एक लंबा समय तय हमें करना पड़ता है। कारण यही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि मैं 5 बार मेंस निकाल चुका हूं लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं दे पाया, 5 बार मेंस लिखा है लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाया। बेसिक कारण यही से जनरेट। सेकंड बात यदि हम करें तो सबसे पहले तो आपको एक चीज और डिसाइड करनी होगी कि जब आप ग्रेजुएट हुए हैं या ट्वेल्थ हुए हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं ना जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उनको यह डिसाइड करना होगा कि उनको एग्जाम कौन सा देना है और सिर्फ एक एग्जाम के प्रति फोकस रहे, वह BSC हो, UPSC हो या फिर किसी व्यापम का कोई पर्टिकुलर एग्जाम हो। डेफिनेटली है कि आप उसको 4 से 5 महीने में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब यदि दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात यह है कि एग्जाम देने के पहले बहुत सारे लोगों में एक चीज की भ्रांतियां और प्रचलित रहती हैं कि मीडियम का इशू एक बहुत बड़ा होता है। मीडियम का इशू यह होता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, कोई कहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, लेकिन वास्तविकता तो यह होती है कि ना तो हम हिंदी मीडियम से हैं और ना ही हम इंग्लिश मीडियम से, बिकॉज क्योंकि हम एक लोकली लैंग्वेज में होते हैं और उसी लैंग्वेज में हम समझते हैं और उसी लैंग्वेज में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करते हैं। तो मीडियम का कहीं भी कोई भी इशू नहीं होता है, आप हिंदी मीडियम में भी लिख करके एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं और एक इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ करके आप अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। मीडियम का जिनको भी इशू है वह अपने दिमाग से मीडियम का इशू निकाल दें कि हमें इस मीडियम में वाई लैंग्वेज ये प्रॉब्लम आती है। एक और बात सामने आती है कि लगातार हमें सुनने में यह भी आता है और रिजल्ट का जो हम प्रेडिक्शन देखते हैं और उसका लास्ट में जो एनालिसिस देखते हैं उसके अनुसार हमारे सामने यह बात सामने आती है कि साइंस का स्टूडेंट और एक जनरल स्टूडेंट दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो यह बात भी कहीं ना कहीं हमें किसको ले जाती है, अपने नकारात्मक पक्ष को ले जाती है और इसी बात से हमें कहीं ना कहीं लगातार यह पीछे ढकेलती है। बेसिक कारण यदि हम बात करें तो साइंस का स्टूडेंट है तो उसके 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ ही में उसका मैथमेटिक्स भी अच्छा होगा, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट की बदौलत वह BSc पास नहीं कर सकता या दूसरा कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकता। और यदि जनरल स्टूडेंट की बात करें जो BA BCOM करके आता है तो उसके भी लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट ही बहुत ही अच्छे होंगे ना, जैसे कि हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा उसका, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स बहुत ही खराब होगा और साथ ही उसका साइंस का बैकग्राउंड बहुत खराब होगा। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होगा लेकिन उसके दोनों पोर्शन उतने अच्छे नहीं हो सकते और हम प्रेडिक्ट करते हैं कि साइंस का स्टूडेंट हमें बीट करके बाहर निकल जाता है, ये हमारी गलत धारणा है।
एमए का या बीए का स्टूडेंट भी मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है और एक साइंस का स्टूडेंट आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ा सकता है और उसके द्वारा भी हम बहुत अच्छा सिलेक्शन पा सकते हैं। राइट, लगातार हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि साइंस का स्टूडेंट लगातार टॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि साइंस का स्टूडेंट कैसा होता है, ब्रिलियंट होता है, जबकि किसी में कोई भी वैसा नहीं है। क्योंकि जब पीएससी में या तैयारी करने के लिए आते हैं तो आपका एक केमिकल अलग ही होता है, दैट मींस आपका रसायन एक अलग बन जाता है क्योंकि सर आपके सामने एक टारगेट होता है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और हम उसी चीज में भूल जाते हैं कि क्या पढ़ रहे थे और क्या नहीं पढ़ रहे थे। और लास्ट में हम कहां पर चले जाते हैं, एक प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि साइंस का स्टूडेंट ही इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जबकि ये बात हमारी क्या हो जाती है वहां पर टोटली रॉन्ग हो जाती है। वापस से यदि हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो हम, जैसे कि हमने बोला कि एक इंग्लिश मीडियम का होता है और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है, तो हमें सबसे पहले अपनी लैंग्वेज की कमांड बनाए रखना है। दैट मींस यह कि जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसी लैंग्वेज को ही ज्यादा प्रेफरेंस दें। किसी की बात को ऐसा मत समझें कि आप यदि हिंदी में पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ लेकिन हिंदी में मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो हम कहीं भी स्विच कर सकते हैं और विद इन अ मंथ स्विच कर सकते हैं। राइट, तो जिस सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको उसी लैंग्वेज में करें जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड पहले से बनी हुई है। राइट, और साथ ही में एक चीज का और ध्यान रखें कि लगातार जो हमारी पढ़ने की प्रैक्टिस होती है साथ ही में लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वह स्कूल टाइम से ही हमारी बनी हुई है, तो उसको भी हमें लगातार सुधारने की कोशिश करनी होगी क्योंकि यह रातों रात सुधरने वाली बात नहीं होगी। ठीक, दूसरा कारण एक और होता है कि हमारे पास में सिर्फ बेरोजगारी के ही कारण हम कंपटीशन के दौर में आते हैं, और जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमारा कोई गोल हम डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अभी पीएससी की वैकेंसी आई है तो सारे लोग पीएससी की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे, जिन लोगों ने बंटवारी का एग्जाम दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया है, वो सब भरेंगे। तो हम सिविल सर्विसेज में आते क्यों हैं, पहली चीज तो आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि आपका यदि आप प्रीवी पास हो जाएंगे, मेंस भी पास हो जाएंगे, तो इंटरव्यू में भी पहला क्वेश्चन ही होता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, और 90% लोग इसका आंसर गलत देते हैं क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही धारणा होती है कि हम जाकर के देश की सेवा करेंगे, जबकि देश की सेवा कौन करता है, आप ही बताएंगे, कोई करना चाहता है आपके देश की सेवा? आप इसलिए एग्जाम पास करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास में जॉब नहीं है, पहली बार। सिविल सेवा में आने का जो उद्देश्य रहता है वह यह रहता है कि सिविल सेवा में आने से हमारे पास में एक क्षेत्र बड़ा होता है, लोगों के बीच में हमारी रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है ना, इज्जत होती है, साथ ही में हमें लोगों से सम्मान की लगातार भावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा जो हमारा कार्य करने का क्षेत्र होता है वह कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज, सैलरी बहुत अच्छी होती है, कोई हमें बाहर नहीं कर सकता है, कहीं भी हम जाते हैं तो एमिनिटीज हमारे लिए बहुत अच्छी मिलती है, सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। तो बेसिक कारण यही होता है कि हम सिविल सर्विसेज में आने का जो मेन मुद्दा होता है वह यह है कि आपके पास में एक रिस्पेक्ट होती है, बड़ा फील्ड होता है, काम करने का अच्छा क्षेत्र होता है, और उस काम के द्वारा फिर आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि आप डायरेक्टली सेवा करना चाहते हैं तो यह टोटली क्या है, गलत। ठीक है, साथ ही में एक चीज और सामने आती है कि अब लगातार लोग एक बात को कहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो एक कॉमन सेंस में बात करता है कि आपको लगभग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस फील्ड में आपको लगातार जिसने कभी प्रीवी पास नहीं किया वही भी आपको जानकारी देता हुआ मिलेगा, और वह हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलेगा आपसे कि आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे की बात करेगा। लेकिन एक चीज हमेशा लिख करके ले लीजिए आप, जो लोग भी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ते हैं वह कभी पास नहीं हो सकते। बेसिक कारण है उसका कि हम जब 10 घंटे पढ़ने की बात करते हैं यहां पर हम किससे पढ़ने लगते हैं, घंटे से पढ़ने लगते हैं, और हम क्या रहते हैं, क्वालिटी को यहाँ पर, दैट मींस टॉपिक को छोड़ करके किस पर चले जाते हैं,
चैप्टर पर चले जाते हैं और चैप्टर से कभी भी कोई भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि आपके यदि एक चैप्टर दिया गया है लाइक दैट आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत कब से हुई है, अब आपने पूरी पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा चैप्टर पढ़ डाला लेकिन लाइन तो सिर्फ आपसे एक ही पूछी गई है कि 1951 से इसकी शुरुआत हुई है और आपने 10 घंटे में क्या किया, पूरा एक चैप्टर पढ़ डाला। और वही एक जो अच्छा व्यक्ति होगा ना, जो पास करने की एबिलिटीज रखना चाहता होगा और आप सभी वह कर सकते हैं, तो आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे कि जो हमारे पास में एक लाइन का फैक्ट है उसको 5 मिनट में पढ़ें और खत्म। अरे बात समझ, आप बोले प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, उससे हमें क्या लेना, वो तो हम बाद में सीख लेंगे, अभी तो हमें क्या करना है, एग्जाम पास राइट। तो पहली चीज आपको एक यहां से छोड़ना होगा कि जो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे की पढ़ने की जो आप लोगों ने आदत डेवलप की है लोगों ने, उसको बदलने की आदत डालनी। अब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया फंडा होता है, हमेशा से जो लोग कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना, ये भी थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन आप जितने भी आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं या जो भी अच्छे लोग हैं उन सभी से आप बात करके देखिएगा, आपको वो यही बताएंगे कि आपकी जो रेगुलर एक क्लासेस की पढ़ाई होती है वो करने के बाद सिर्फ आपको यदि रोजाना आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप एग्जाम पास हो सकते हैं। अधिकतम आपको टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर बनने के लिए मैक्सिमम 6 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है, इस 6 घंटे के अलावा आपको जरूरत नहीं है दैट मीन्स 4 घंटे की आपकी जो क्लास होती है 4 से 5 घंटे की हो और बाकी के आप 4 से 6 घंटे के बीच में घर में आप पढ़ सकते हैं, टोटल 10 आवर्स होते हैं, क्योंकि क्लास का तो जो हमारे पास में होता है वह हम पढ़ने के रिस्पेक्ट में नहीं लेते हैं, वह कैसा होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर के अंतर्गत आता है और घर में जो रहते हैं वह रिवाइज प्लस आपके एक्स्ट्रा पढ़ने के हिसाब से हम लेते हैं, तो उसको मैक्सिमम 6 आवर आप पढ़ सकते हैं और इस 6 आवर को आप पढ़ के देखिए आप 45 डेज में भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर लेंगे, साथ ही में आप 3 महीने में मेंस का एग्जाम भी पास कर लेंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। अब बात आती है कि ये तो ठीक है हम इतना टाइम कर लेंगे, ठीक है, इसके अलावा हम मैनेज कैसे करेंगे। सबसे बड़ी समस्या फिर यही होती है कि बाकी की चीजों को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास में मिल जाता है, तो मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी चीज एक है कि आप पहले तो अपना ग्रेजुएशन देखें कि आपने किस सब्जेक्ट में या किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है जो लगातार अभी बिगनर्स हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं राइट, तो वही भी यह देखें कि आपका जो सब्जेक्ट है वह कौन सा है, क्योंकि विषय जिस विषय में आप आगे के अध्ययन कर रहे हैं वह सब्जेक्ट आपका कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या करनी होगी, पूरी प्लानिंग बनानी होगी, क्योंकि हम स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और स्टेट के कोई सा भी एग्जाम देंगे आप तो स्टेट को सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप पहले स्टेट के बारे में जानें कि आपकी स्टेट की चीजें क्या हैं राइट। तो इस स्टेट के अंतर्गत भी आपको अलग अलग तरीके से देखना होगा कि पहली तो एक चीज है कि आपका एक सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो बातें आ रही हैं वह क्या है, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें क्या है, और यह दोनों चीजें एक बात करें यदि सामान्य बात की जाए जैसे कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, यह आपको भी पता है किताब में पढ़ेंगे तब भी, और एक मार्केट में बैठा हुआ व्यक्ति जो पान के डब्बे पर बैठता है उसको भी पता है कि कितने जिले हैं, 51 जिले ही, यह नहीं बदलेंगे, आप साइंस के हों या फिर जनरल स्टूडेंट हों कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसका मतलब यह है कि पहले आपका जो सब्जेक्ट है जैसे कि किसी ने बीए कर रहा है तो बीए में आपको हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़नी होती है, ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट को आप ग्रेजुएशन के अंतर्गत ही इतना स्ट्रांग बना लें कि बाद में जब भी आप पढ़ेंगे ना तो आपका एक बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड कहां से मिलेगा आपको, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से। जो साइंस का स्टूडेंट है तो वह अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी पढ़ा सकता है, बेसिक कारण यह है कि लगातार इन पोर्शनों से आप वेटेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि यदि हम साइंस की बात करें तो आपका 2014 में 9% आए हुए हैं, 2015 में आपके 7% आए हुए हैं, 2016 में 15% आए हुए हैं राइट। तो यहां से हम देखते हैं कि एक लगातार आपका
ग्राफ बढ़ता जाता है, तो वह कब डेवलप कर सकते हैं आप अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यदि बीए वालों की बात करें तो हिस्ट्री का भी पोर्शन लगातार बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में 9 क्वेश्चन, 7 7 9 और वर्तमान 2017 में 11 क्वेश्चन आए। तो ये पोर्शन कहां से आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन है और हम इसको लेकर के कब बैठते हैं, जब तैयारी करने के लिए आते हैं, और क्योंकि ग्रेजुएशन में तो हम अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए जब हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सारी चीज हमें कैसे लगने लगती है, एक नए व्यापक में देखते हैं। और फिर वही हो जाता है कि हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। दूसरी चीज, एक और आपको बात ध्यान रखनी होगी कि जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है वह है आपकी पढ़ाई अलग थी, अब यहाँ की पढ़ाई में बहुत ही डिफरेंस होता है। कारण क्योंकि जो आपका स्टेट का एग्जाम है, बीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या बेसिकली 3 फेज एग्जाम है जिसमें आपका प्रीलिम्स का भी एग्जाम होगा, साथ ही में मेंस का भी एग्जाम होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू का एग्जाम होगा। दैट मींस लगभग आपको 1 साल तक के लिए बाउंडेड होकर के काम करने होंगे, और 1 साल का समय बहुत लंबा होता है। मतलब जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव OT, दैट मींस वन लाइनर फैक्ट की बात करनी होगी, ठीक है। सेकेंडली जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे तो इसके लिए आपके लिए सब्जेक्टिव पढ़ना है, दैट मींस डिटेल स्टडी। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में ना तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और ना ही सब्जेक्टिव पढ़ना है, दोनों ही चीजें नहीं पढ़नी, सिर्फ उसमें आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका मिल जाएगा कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यदि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर, राइट। एक स्टूडेंट होता है जिसका सब्जेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं और जब उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम आपसे क्या पूछें, तो वही कहता है सर मुझसे पॉलिटी पूछ लीजिए, या पूछना बोलता है कि मुझसे ज्योग्राफी पूछ लीजिए, और जब उससे पूछना स्टार्ट किया जाता है तो वह पहले 1 या 2 लाइन में ही कैसा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है और वह वहीं पर क्या हो जाता है, साइलेंट टोन में चला जाता है, अच्छी चीजें आते हुए भी वह नहीं बता पाता। और एक स्टूडेंट होता है जिसको कुछ भी नहीं आता है लेकिन वह अपने आप को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता है, वह अपनी चीजों को जो नकारात्मक थी उनको सकारात्मक बनाते हुए नहीं आते हुए भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर देता है और वह बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लेता है। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल सा यह है कहने का कि आपके लिए ज्यादा चीजें आना जरूरी कहां पर है, प्रीलिम्स में उतनी ही चीजें आना जरूरी है जितनी कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के अकॉर्डिंग सही है, मेंस में आपको उतनी चीजें आना जरूरी है कि क्वेश्चन क्योंकि आपके हमेशा जो आप पढ़ते हैं वैसा ही नहीं आता है, कई बार आपका ट्रेंड बदल के भी आता है, तो इंस्टेंट आपकी थिंकिंग डेवलप करने की बात होती है मेंस में, राइट। और इंटरव्यू में आपका ओवरऑल व्यू जो आपका प्रीलिम्स और मेंस का होता है उसको डेवलप करने की बात की, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि आप सभी नए तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं और एक नए स्ट्रेटजी में हम प्लानिंग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए कोई भी टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता है, जो हम बनाते हैं लगातार वह ब्रेक होते जाते हैं, ठीक है, और हम अपने अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात करते रहे, राइट। तो इसके लिए सिंपल वे मैं यह कहूँगा कि यदि मेरे जैसा व्यक्ति कोई भी पास हो सकता है तो आप लोग भी पास हो सकते हैं। कारण है क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो अप्रोक्सीमेट 70% चीजों को मैं भूल जाता, 70% चीजों को भूलने का कारण था क्योंकि लगभग मेरी 50% मेमोरी लॉस थी, राइट। लगभग 6 महीने में सोया नहीं लगा था, 6 महीने में मुश्किल से मैं 10-15 दिन ही सोया हूं। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति भी यहां तक पहुंच सकता है तो आप लोग तो सभी वेल कंडीशन में हैं और बहुत अच्छे हैं और इंटेलिजेंट हैं, और पीएससी में वही आना चाहता है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, इस बात को भी हमेशा याद रखना, क्योंकि पीएससी में हर कोई नहीं आ सकता है और हर किसी की एबिलिटी नहीं होती है कि वह पीएससी की ओर आने की बात कर सके।
और जब मैं 8 महीने में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो फिर आप लोग तो बहुत अच्छी कंडीशन में, आपको तो सिर्फ 4 महीने का समय लगना चाहिए, राइट। और मैंने भी आपको बता दूं एक चीज कि जब मैं तैयारी करने के लिए आया था तो देट मीन्स मुझे पीएससी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। मैं ऐसे ही घूम रहा था भवरकुआ में, अचानक से मैंने पीएससी का बोर्ड देखा, और मैं क्योंकि उस समय ये पीएससी का बोर्ड देखा तो सबसे स्टार्टिंग में मुझे उड़ान कैरियर एकेडमी मिली, और मैं एक के सामान्य तौर पर पहुंच गया। और जैसे ही मैं पहुंचा तो डायरेक्टली मेरी नागिन सर से बात होती है, नागिन सर से बात होती है, आधे घंटे तक लगभग मेरी बात हुई, और मुझे लगा कि हाँ यह चीज़ करना चाहिए था। इसके पहले मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था उस ड्यूरेशन में, राइट। तो मैं अपना लेक्चरशिप छोड़ करके सीधा पीएससी के फील्ड में आया, लेकिन लगभग 1.5 महीने तैयारी की मैंने, और फिर मुझे जमा नहीं क्योंकि मेरी मेमोरी की प्रॉब्लम थी, और मैं छोड़ करके चला गया, एमटेक करने चला जाता हूँ। 2 साल तक एमटेक करता हूँ, वापस से 2015 के दिसंबर में सर का फोन आता है, सर से बात होती है, और सर ने कहा कि तुम कर सकते हो, तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, राइट। मैंने कहा सर आता हूँ, ठीक है। फिर 2 महीने तक मैं फिर भी नहीं आया, फिर फरवरी में नोटिफिकेशन आया, फिर सोचा चलो एमटेक से भी फ्री हो गए, अब क्या करें। तो पीएससी की तैयारी करने के लिए फिर से आता हूँ, 14 फरवरी को आता हूँ, और तैयारी स्टार्ट करने के लिए, और 25 मई को प्री का एग्जाम देता हूँ। उस कंडीशन में एग्जाम देता हूँ जब मैं सोता भी नहीं था, और मेरे पास में 50% की मेमोरी की कंडीशन में था। और आपको बता दें उस समय प्री में मैंने स्कोर किया था 85 जीएस के क्वेश्चन स्कोर किए, राइट। और फिर उसके बाद सिर्फ मुझे 48 डेज का टाइम मिला मेंस के लिए, और 48 डेज में भी जब मुझे मेंस देना था उसके ठीक 15 दिन पहले मैं अपना ब्रेन स्कैन करवा रहा कि क्या मैं एग्जाम देने के लायक हूँ या नहीं हूँ, दे भी पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। सारी चीजें करवाई, डॉक्टर ने भी मुझसे मना किया ये ज्यादा लोग मत लेना, लेकिन उसकी भी बात को नहीं मानते हुए मैंने फिर से चले, और लगभग 48 डेज की तैयारी के बाद, क्योंकि लगातार सर का मार्गदर्शन, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और 48 डेज में मैंने एग्जाम दिया, और 48 डेज में मैंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया कि जब मैं एग्जाम लिखने गया तो जो 3 घंटे का समय होता है, इस 3 घंटे के समय में आपको 56 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 56 क्वेश्चन करने के बाद मेरे पास लगभग 5 मिनट का समय बच जाता, और उस 56 में से भी लगभग मैं 60 क्वेश्चन कर गया, कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं कितने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि आपके लगभग जो 10-10 क्वेश्चन रहते हैं 6-6 नंबर वाले जो करने रहते हैं, वो आपको 12-12 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उन 12 के 12 को ही मैंने सीक्वेंस से कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कब पढ़ना है, और पार्ट ए पार्ट बी में भी मैंने लगातार लिखते रहा, और तीनों पेपर में, और लास्ट में जब कॉपी चेक करता तो हर बार मेरे साथ यही गलती होती कि मैं आंसर कौन सा पा लूं, क्योंकि सभी के आंसर एक जैसे थे, ना तो कोई कम रहता था तो ना ही कोई ज्यादा, किसको काटें। फिर अंदर से शरीर में यही होता है कि लास्ट के जो क्वेश्चन है उन्हीं को काट दो, क्योंकि सारे क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, राइट। और इतने करने के बाद भी मेरे पास में लास्ट में 5 मिनट का समय बच जाता था, बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर के। और दूसरी चीज, इसी ड्यूरेशन में जो मेरे साथ थी एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि 1 अक्टूबर से मेरा एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और 1 अक्टूबर से भी नवरात्रि का सीजन भी स्टार्ट होता था, जो मेरी बल्टी है उसी के नीचे एक बहुत बड़ा गरबा का उत्सव भी होता था, जहाँ पर 4 DJ लगे रहते, और वह DJ रात के 1 बजे तक चलते थे, सुबह 6 बजे से। तब भी उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि DJ ही तो चलता है, क्या होता है, वो तो रोज का काम है ना। तो यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब एक व्यक्ति असामान्य स्थिति में रहते हुए भी एग्जाम पास कर सकता है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में, बहुत ही सामान्य स्थिति में है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है ना, तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि
उड़ान में आने से ही मुझे यह कॉन्सेप्ट मिला था कि ना तो आपके 10 घंटे पढ़ने से कोई पास होता है और ना ही 18 घंटे से पढ़ने से पास होता है, क्योंकि मैं तो बेसिकली ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता था, कारण पढ़ो या नहीं पढ़ो मतलब तो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना की जरूरी था। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मैंने अपने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के ड्यूरेशन में किसी भी बुक को भी प्रेफर नहीं किया। मेरे पास में प्री मेंस तक लिखने तक सिर्फ 4 किताबें थी, जिसमें से 3 किताब एमपी की थी और 1 इकोनॉमिक्स की थी और 1 मैंने लास्ट क्लास में ली थी टीएमएस की कॉन्स्टिट्यूशन की लक्ष्मी गांधी की, लेकिन उसको कभी खोलने की आवश्यकता नहीं। राइट, कारण यह था क्योंकि क्लास में ही मुझे लगभग 4 घंटे की क्लास होती थी, तो उसी ड्यूरेशन में इतनी चीजें बताई जाती थी कि उन्हीं को एक्सपांड करके मैं एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन को बनाने की ट्रिक ले रहा था और लगातार सर से पूछते रहता था कि सर ये सही है या नहीं, जहां भी मिस्टेक होती है सर मुझे बता दे। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि लगातार किताबों को कलेक्शन करते रहते हैं। मेरे साथ में भी जब मैं मैथ्स देने आया था तो उस समय जो लोग 4 बार मैथ्स दे चुके थे 5 बार मैथ्स दे चुके थे उन लोगों के साथ में टेस्ट देने आया, और जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया तो उन लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और मैंने आधा ही पेपर अटेम्प्ट किया, तो उनसे इक्वल में ही मेरे भी मार्क्स, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मस्ट बेटर, ये सबसे अच्छा तो मैं ही, कि 5 बार मैथ्स देने से कुछ नहीं होता। आप कारण एक और होता है कि जो पुराना स्टूडेंट होता है वह अपनी जो कमजोरियां हैं उनको सुधारने की कोशिश कभी नहीं करता, क्योंकि उसको लगने लगता है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है वही। तो सबसे पहली चीज है कि जो आपके लिए है वह यह है कि जितनी चीजें बदल जाती हैं सिर्फ तो उतनी ही करें, और अन्य से सही किताबों का कलेक्शन करना बंद। और इसके अलावा जो क्लास का ड्यूरेशन होता है उस क्लास को आप ईमानदारी से करें, ठीक है, और लगातार आपको दूसरे लोग बताते रहते हैं कि टेस्ट दें, टेस्ट देने से भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल नो डाउट, आपको टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट देने से यह होता है कि हमारी जो रहती है डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। डिसिप्लिन से मतलब है कि हमारे अंदर पढ़ने की ललक जगी रहती है, क्योंकि हमें किससे कॉम्पिटिशन करना होता है, हमारे ही लोगों के बीच में कंपटीशन करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच में हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता है। आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है। यदि 2 शब्दों में कहूं तो यह है कि हर युद्ध जीतने के लिए हर बार जीतना जरूरी नहीं है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हर बार जीतना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके पास में 2 चीजें होना चाहिए, एक तो आपका समर्पण होना चाहिए, दूसरा आपकी ईमानदारी आपके प्रति होना चाहिए। यदि आप दिन में सारे काम करते रहें, घूमते रहें, मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, यदि आपको रात में 2 बजे भी पढ़ना पड़े 4 घंटे, तो आप रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ें, और फिर देखिए आपके साथ में कैसे नहीं आपकी चीजें बदलती हैं, और आपके ग्रुप में भी आप अलग ही एक उभरता हुआ सितारा नजर आने लगे। बेसिकली ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम करने में जाते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो 2-4 दिन हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन जैसे ही हम 2-3 दिन से इनसे हैबिचुअल होते हैं आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ही मजा आने लगेगा। और जब आपको कोई बोलेगा कि चलो यार चाय पीने चलना है, तो आप उससे कहोगे कि पहले मेरा 2 घंटे का काम है वह करूंगा, उसके बाद 4 घंटे में तुम्हारे साथ आऊंगा। और जिस दिन आप यह बात कहना सीख जाएंगे उस दिन आपके फायदे में चीजें आने लगेंगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है वह इस बात को याद रखना है कि आप सभी के अंदर एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है, और 99% वह प्रवृत्ति होगी, मैं डेफिनेटली श्योर होकर कहता हूँ कि जो हमारे अंदर टालने की प्रवृत्ति होती है, डिनाई करने की, उस प्रवृत्ति को आज ही आप छोड़ देना। जब तक आपके अंदर टालने की प्रवृत्ति रहेगी, एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति रहता है वह उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। उसका कारण यह था कि वह समझना ही नहीं चाहता था कि वह कर क्या रहा है, कि वह अपने आप को ही काट रहा है,
और जो आपकी टालने की प्रवृत्ति है यह आप अपने आप को ही डुबोने की प्रवृत्ति में चलते हैं। तो यदि हम इन तीन चार चीजों को सुधार लें तो आप डेफिनेटली आप सभी मेंस का एग्जाम देने भी जाएंगे और आप सभी भी इंटरव्यू का एग्जाम देने भी जाएंगे। और आई होप आप सभी ये करने की कोशिश करें और फिर देखें आपके लिए कैसे नहीं आपके पक्ष की चीजें होती हैं, राइट। जो चीजें आपको समय से करना है उन चीजों को समय से करें। और एक चीज और विशेष याद रखें कि लगभग 6 घंटे का सोना भी जरूरी है। यदि हम 6 घंटे सोते भी हैं तब भी हमारे पास में लगभग 18 घंटे का समय होता है। उस 18 घंटे समय में हम सारे काम करते हुए भी हमारी स्टडी को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लगभग हमारे पास में 55 डेज का टाइम है और इस 55 डेज में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छे से सिलेक्टिंग होंगे। और एक चीज और आपको याद रखना है लास्ट में जो बोल दूँ आपको कि प्री में किसी को टॉप करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। जो भी यह सोचते हैं कि प्री में मैं 90% करके आऊंगा, 100 में से 95% करके आऊंगा, वह गलत सोच रहे हैं। प्री में आपका टॉप करने से कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है ना। प्री में सिर्फ हमें एक काम करना है कि क्या करना है, मैथ्स के लिए हमें क्वालिफाई करना है। तो दैट मीन्स सबसे एक चीज और आप बात रखें कि हमारे पास में एक और नेगेटिव तत्व है जो सामने चलता है कि कैटेगरी का। कैटेगरी से बात करें तो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी, चार कैटेगरी में लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो हमेशा एक कैटेगरी का इशू भी लेकर के बैठे रहते हैं। और जो जनरल का कैंडिडेट है उसके मन में एक बात होती है कि एससी का कैंडिडेट है उसके लिए तो सिर्फ 55 क्वेश्चन सही करना है और मुझे 70 क्वेश्चन सही करना है। ओबीसी का कैंडिडेट वह कहता है मुझे 68 क्वेश्चन सही करना है, जनरल से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही सही करना है, कम करने हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक ऑब्स्टिकल्स जनरेट करते हैं, आप अपने अंदर एक ऑब्स्टिकल जनरेट करते हैं। दैट मीन्स आप अपने अंदर एक बाधा को लाते रहते हैं लगातार, और वह बाधा आपको सिर्फ उसी जगह पर रोक देती है जनरल ओबीसी एससी और एसटी के कैटेगरी से। नो डाउट ये बात सही है कि जो जहां पर है उसको उतना ही कट ऑफ लाना है। तो प्री में हम ये सब क्यों सोचें, प्री में हमारा यह सोचना बेकार है। अरे बात समझ में, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको यहां पर सिर्फ इतना करना है कि क्वालिफाई होना है, टॉप नहीं करना है, राइट। और हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी है और बाकी की चीजें आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के प्रति खुद से जिम्मेदार हैं। अरे बस ठीक है। इसके अलावा यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं एग्जाम के संदर्भ में या किसी प्रकार से। कोई डाउट नहीं, ओके। आपके लिए इसके लिए एक चीज है कि जो मैंने आपसे बोला कि प्री में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। दूसरा आपका मेंस में आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो जो आप प्री में पढ़ते हैं ना, प्री में हमारे पास में इतने ज्यादा फैक्ट अच्छे हों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। क्योंकि एक चीज और आपको क्राइटेरिया के अनुसार बता दूं, जो पुराने लोग हैं उनको पता है और जो नए लोग हैं उनको भी बता दूं कि आपके पास में एग्जाम देने के लिए जो चीज है वह प्री किस पर डिपेंड करती है, फैक्ट पर डिपेंड करती है, राइट। और बहुत सारे लोग आपको यह भी बोलते हुए दिखाई देंगे कि फैक्ट लिखने से कोई पास नहीं होता, ये भी गलत तथ्य है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज बात यह है कि जब आप प्री में पढ़ते हैं तो आपका प्री में इतने अच्छे फैक्ट होना चाहिए कि जब आप मेंस में लिखने के लिए जाते हैं और मेंस में आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है और यदि आप उसमें 4 फैक्ट लिख देते हैं और बाकी की पूरी चीजें जो आप लिखते हैं जैसे ट्रेंड में उसी प्रकार से लिखेंगे और फैक्ट को हाईलाइट कर देंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा लिख पाएंगे। और जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं जो टेस्ट लगातार देते हैं उनकी कॉपियां देखी है मैंने, राइट। तो हम क्या करते हैं कि कहानी बहुत सारी लिखते हैं और फैक्ट छोड़ देते हैं। और यही कारण होता है कि हमारा आंसर जहां पर 100 वर्ड्स का होना था वहां पर कहां कितने में चला जाता है, 150 वर्ड्स में चला जाता है। कारण क्योंकि हमें जो चीज लिखनी है वो हमने नहीं लिखी और उसको छुपाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हमारी
एक्सटेंड बढ़ाते जाते हैं, लेंथ को लगातार एक्सपांड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अनुसार आंसर भी बदलना पड़ता है। जैसे कि यदि आपसे एक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि भारत भवन, अब इसको तीनों प्रकार से पूछा जा सकता है। भारत भवन यदि प्री में पूछा जाएगा तो आपसे सिर्फ चार फैक्ट हैं इसमें जो पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, वो पुराने स्टूडेंट को भी पता है कि कैसे होते हैं। और यदि मेंस में पूछा जाएगा तो इसको 6 नंबर के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है और 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, राइट। यदि आपके पास में 6 मार्क्स में आता है तब भी आपको जो प्री में आपने 4 फैक्ट पढ़े थे वही फैक्ट देना होंगे आपको। इसके अलावा इसका थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस भी करना होगा। और जब आप 15 मार्क्स में लिखेंगे तो जो इसके 10 खंड बनाए गए हैं ना, 10 खंड, वह भी आपको क्या करने होंगे, एक्सप्लेन करने होंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन से हम कई प्रकार के आंसर लिख सकते हैं। और जब हमसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तब भी हम क्या करते हैं, यही लिखते हैं। 15 का पूछा है तब भी यही लिखते हैं और आंसर हमारा क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। और जहां समय हमें बचाना था वहां समय जा रहा है। एक और कारण होता है जो मेंस में टाइम नहीं बचता है कि यदि आपके पास में 56 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 28 क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन के पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ से हमें 15 जो रहते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं, 10 यहाँ पर हमारे 6 मार्क्स के होते हैं और 3 क्वेश्चन हमारे 15 मार्क्स के होते हैं, राइट। अब इस पोर्शन में से 3 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारे पास में पूछा गया है कि 1 या 2 पंक्ति में हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, हम लिखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ, राइट। और एक स्टूडेंट है जो इसमें डायरेक्टली लिखता है 13 अप्रैल 1919, 3 नंबर इसको भी मिलेंगे और जिसने 2 लाइन लिखी है 3 नंबर उसको भी मिलेंगे। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, हाँ। अब दूसरा इसी में पूछा जा सकता है आपका, लाइक ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारा एक ट्रेंड होता है उसी ट्रेंड को फॉलो करते जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपसे पूछा जाता है कि संविधान की विशेषता बताइए, यह भी 3 नंबर में पूछी जानी है आपसे। संविधान की बेसिकली 18 विशेषताएं हैं, लगभग 18 विशेषताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप 3 नंबर में यदि 18 उसकी विशेषताएं लिखेंगे तो लगभग आपका आधा पेज भर जाएगा और पूछा 3 नंबर में ही जाएगा, राइट। तो उसमें हमें उसकी 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जो सामान्य तौर पर प्रचलित होती हैं और सभी को नॉन होती हैं, बस 4 लिखनी है, पूरी 18 नहीं लिखनी है, और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन वहां पर सही होगा। दूसरे सामान्य तौर पर यदि हम बात करें कि कोई आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, राइट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसमें लगभग 4 से 5 लाइन लिखते हैं जबकि यह डेफिनेशन ही 2 लाइन की होती है, राइट। और फिर हम इसमें क्लासिफाई करने लगते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार, यूएन के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार। आप योजना आयोग के अनुसार लिखेंगे तब भी उसका फिजिकल डेफिसिट वही रहेगा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार लिखेंगे तब भी उसका फिजिकल डेफिसिट वही रहेगा, राइट। और आप अपने अनुसार लिखेंगे जो किसी एक स्टैंडर्ड बुक का आंसर है तब भी उसका फिजिकल डेफिसिट क्या रहेगा, वही रहेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम रहती है हमारी सबसे ज्यादा वह यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमें जब 10 क्वेश्चन आते हैं तो उन 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हमसे अच्छे से बनते हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज की कंडीशन में हम होते हैं। तो हम यह सोचने लगते हैं जो पहले 5 आ रहे हैं हम उनको बहुत अच्छे से लिखें, राइट। और उन 5 के चक्कर में हमारा जो 5 क्वेश्चन का मैटर रहता है वह भी हम क्या कर देते हैं, गड़बड़ा देते हैं। 6 नंबर में से आपको 6 तो देने वाला रहा, 5 भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, तो क्यों ना हम 10 के 10 क्वेश्चन लिखें जिससे कि हमें 3 नंबर तो मिले कम से कम। यदि आपने 5 में बहुत अच्छा लिखा और आपको
पांच में चार चार नंबर मिलते हैं तो कितना होगा आपका 20 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, पांच क्वेश्चन जो आपने लिखे, चार चार नंबर मिलते हैं, चार नंबर बहुत ही अच्छे नंबर माने जाते हैं एग्जाम में मिलना। ठीक है, और जो आपके बचे हुए पांच क्वेश्चन थे इसमें आपको आपने बहुत ही बेकार तरीके से लिखा, किसी ने दो लाइन लिखी उसमें क्योंकि समय बचाने था और हम लिख ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ तो हम डेढ़ दोनों पेज में लिखते रहे, है ना, दो दो पेज में लिखते रहे आंसर। जब आपने यहाँ लिखा तो किसी में दो नंबर मिला, किसी में एक नंबर मिला और किसी में जीरो मिला, तो मुश्किल से 8-10 नंबर ही हम यहाँ पर जुटा पाते हैं। और कहाँ पर सिमट जाते हैं, जहाँ पर आपको 60 मार्क्स मिलने थे वहां पर हम लगभग 28 से 30 मार्क्स के बीच में आ जाते हैं। टाइम भी खराब हो गया क्योंकि ज्यादा समय हमने कहां पर दे दिया, यहां पर। अब पहुंच जाते हैं हम कहां पर, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पर। जैसे ही आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो एक डर होता है कि अब आधे घंटे में हम तीन क्वेश्चन कैसे करें, राइट। और उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, एक जो हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है वह तो हम चार पेज में लिखते हैं, बाकी के हम एक एक पेज में लिखते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां हमें 45 में से 30 नंबर मिलने थे वहां पर सिर्फ हमें लगभग 15 नंबर ही मिल पाते हैं, 15-16 नंबर, और पूरा एवरेज बिगड़ जाता है। और टाइम शेड्यूल हमारा हमने कहां से खराब कर लिया, यहां से, दूसरा यहां से, और हमारे क्वेश्चन का पैटर्न यहां पर बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है उन 10 क्वेश्चन में से सबसे पहले आपको पेपर देखना है, और पेपर देखने के बाद में आपका जो ट्रेंड है कि आप कैसे आंसर को माइंड मेकअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड मेकअप करना होगा। यदि आप माइंड मेकअप कर लेते हैं आंसर के प्रति तो आप फटाफट आंसर लिख सकते हैं। और इसके लिए भी एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है कि जो आपके 15 क्वेश्चन है तीन नंबर वाले, इनको आपको अधिकतम 20 से 25 मिनट ही देना है। यदि आप 20 से 25 मिनट से ज़्यादा देंगे आपका पेपर कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि आपको 20 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है यहाँ पर तो आप वह क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दें, वहीं पर उन क्वेश्चन को करना छोड़ दें, आगे की ओर बढ़ें। और जब आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर लगभग आपका 40-45 मिनट का समय लगना चाहिए, 42-45 का ही समय होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा का समय आप यहाँ पर देते हैं तो आपके तीन नंबर के क्वेश्चन छूट जाएंगे, दैट मीन्स 40 मिनट मैक्सिमम होते हैं और 20 मिनट यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक घंटे का समय हमारा यहाँ पर होता है, बाकी का आधे घंटे का जो समय है वह किसके लिए होना चाहिए, हमारे 15 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। और एवरी क्वेश्चन हैज 9 मिनट्स मैक्सिमम।